दोस्तों स्वागत है आपका अज़र यूसुफ के चैनल पे। आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Xiaomi के राउटर को। Xiaomi जैसे कि हम सब जानते हैं वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स देता है। मुझे कुछ चीज़ें इस राउटर के बारे में बहुत अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसा फीचर जिसकी वजह से मैंने ये राउटर खरीदा है और आपको ये अंडर 1000 राउटर में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन इस एक फ़ीचर के लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे। तो आप ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर चीज़ पूरे फीचर्स में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैसे ये Xiaomi के राउटर को यूज़ कर सकते हो और कितना अच्छा ये आपके लिए रह सकता है या नहीं रह सकता है, आप फीचर के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। तो एक अच्छी बात जिसकी वजह से मैंने ये राउटर ख़रीदा है, लेकिन उसके लिए किया हुआ जो कॉम्प्रोमाइज़ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। सो नाउ लेट्स गो फॉर इट। तो चलिए दोस्तों अब अच्छे से समझ लेते हैं ये मी राउटर 4C को। जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा बॉक्स आया है और बॉक्स में सामने की तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है मी राउटर, ब्रांडिंग है Xiaomi की ब्रांडिंग है। 300 Mbps हाई स्पीड है, यहाँ पे 4 एंटीनाज लिखा है इस पे फॉर वाइडर कवरेज, फुल कंट्रोल विया मी वाईफाई ऐप, स्पीड बूस्ट फॉर हैवी टास्क, ये लिखा है आगे साइड में। उसका नाम है मी राउटर 4C, ये साइड Xiaomi की ब्रांडिंग, और यहाँ पे लिखा है MRP दिया हुआ है यहाँ पे जो 1199 है, लेकिन ये प्रोडक्ट मैंने Flipkart से 999 में मंगवाया है। पीछे की तरफ आप अगर देखो तो बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस दिए हुए। सबसे पहले अगर हम स्पेसिफिकेशंस की तरफ देखें तो मॉडल नंबर के बाद दिया है कि 2.4 GHz वाईफाई पे ये चलता है, जो मैक्सिमम 300 Mbps की स्पीड देता है। अगर पोर्ट्स की बात करें तो दो LAN पोर्ट्स है 100 Mbps के और एक WAN पोर्ट है 100 Mbps का, तो ये तीनों पोर्ट्स मिला के 300 Mbps हो जाता है। प्रोटोकॉल भी यहाँ पे दिया हुआ है 802.11। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे एक QR स्कैन दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके मी वाईफाई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिकेशंस दिए हुए। रिपीटर मोड, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोड है, क्योंकि अगर आपके घर में पहले से वाईफाई है तो आप इसे लगा के सिग्नल को एनहेंस कर सकते हैं, तो इसे रिपीटर मोड की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अगर पासवर्ड आपका बाई एनी चांस आप भूल जाते हो तो आप उसको भी बहुत आसानी से रिस्टोर कर सकते हो। स्पीड बूस्ट भी है इसमें। मैनेज द बैंडविड्थ ऑफ एनी डिवाइस एज पर योर नीड, आप मी वाईफाई ऐप के ज़रिए बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। आप ये भी मैनेज कर सकते हो कि कौन सी डिवाइस आपके वाईफाई को एक्सेस करेगी और कौन सा नहीं करेगी। इसमें पैरेंटल कंट्रोल भी है, अगेन बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ का आपको नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल में ऐप के ज़रिए आ जाएगा। 3-step सेटअप है दोस्तों, सेटअप काफ़ी इजी है। आपको जैसे कि मी वाईफाई ऐप डाउनलोड करना है और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आप जैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे आप आसानी से पूरी तरह से सेटअप कर पाएंगे। और वाईफाई सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट वाईफाई नेटवर्क बाय ब्लॉकिंग सस्पिशियस डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्मार्ट राउटर है। लेट्स सी, अब अंदर खोल के देखते हैं कि ये राउटर एग्जैक्टली दिखता कैसा है। इसे ऐसे खोल लेते हैं। अब मैं आपको दो रीज़न बताता हूँ, एक इसकी बहुत अच्छी चीज़ भी बताता हूँ। पहले हम चीज़ें देख लेते हैं कि क्या आया है। एक अच्छी चीज़ मैं बताऊँगा और एक बुरी चीज़ बताऊँगा, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपको नोट करने जैसी होगी। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये इस तरह से 4 एंटीनाज है। हम इसे बाद में देखते हैं और अच्छे से, पहले देखते हैं कि कंटेंट क्या है प्रोडक्ट का। यहाँ पे चार्जर है जिसे आपको कनेक्ट करना है, वाइट चार्जर है पूरी तरह से, इसे आप देख सकते हो। अडैप्टर है, ये एक सेटअप है। नॉर्मली अपन जो ऐसे पेपर्स आते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हम उसको देखते नहीं हैं ठीक से, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको एक बार पढ़ लो, बहुत आसान से आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे सेटअप करना है। बहुत ही आसान सा सेटअप है। तो ये सारा कंटेंट है और कुछ भी कंटेंट नहीं है इसमें। अब हम राउटर को और अच्छे से देखते हैं। ये रहा हमारा राउटर, इसे खोलते हैं।
और ऐसे चार एंटीना आते हैं। दोस्तों मैं अभी बताता हूँ कि मेरा रीज़न क्या था। सबसे बड़ा रीज़न जो इसको ख़रीदने का था वो था ये चार जो एंटीना है वो। और इसका रीज़न ये था कि चार एंटीना होने की वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा सिग्नल कवरेज देगा ये। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस राउटर के बारे में। यहाँ पे Xiaomi की ब्रांडिंग है, यहाँ पे कुछ मार्किंग्स दिए हुए हैं, और अगर आप पीछे की तरफ देखो तो पीछे की तरफ ऐसा कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है और कुछ खास नहीं है पीछे। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पावर अडेप्टर लगाना है। देखो दोस्तों ये दोनों जो है ये लैन केबल के अटैचमेंट्स हैं। अब नॉर्मली इस प्राइस रेंज में भी आपको शायद 3 या 4 सॉकेट्स मिल जाते हैं लैन के, यहाँ पे 2 है, तो ये एक हल्का सा नेगेटिव है। अगर आपको ज़्यादा लैन नेटवर्क्स लगाने हैं तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, ये हल्का सा नेगेटिव है। जबकि ये जो एंटीनाज है, चार एंटीनाज जो इतनी आसानी से ये प्राइस रेंज में आपको नहीं मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ईथर केबल, इंटरनेट केबल आप लगा सकते हो। यहाँ पे अगर आप आपको सुई से करना पड़ेगा, अगर आप करोगे तो पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा, ये रीसेट बटन है। बहुत ही हल्का है ये राउटर, बहुत ही हल्का है, काफ़ी डिसेंट सा डिज़ाइन है। तो ये था ओवरऑल इसका फीचर्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो इसके रेंज के बारे में, क्योंकि मैं अभी इसको यूज़ करने वाला हूँ, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ।